नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल है आपका सामुदायिक संक्रमण की दहलीज पर भारत। इसमें बात करेंगे आखिर क्यों अभी ये चर्चा में है और संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे हम। इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भी देखेंगे और ICMR की जो रिपोर्ट है उसे भी देख लेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या विचार दिया है उसे भी देखेंगे। सीमित सामुदायिक संक्रमण से तात्पर्य क्या होता है उसे भी देखेंगे और संक्रमण के जो रोकने के जो प्रयास हैं उन्हें भी देखेंगे और जो अभी आपका आरोग्य सेतु ऐप आया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में लॉकडाउन बढ़ाने के विमर्श के केंद्र में कोरोना वायरस का तीव्र गति से प्रसार हो रहा है। कई स्टेट ने तो बढ़ा भी दिया है, आपने याद रखिए उड़ीसा फर्स्ट स्टेट था जिसने बढ़ाया। इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया है। इसकी विभीषिका का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब तक विश्व में 16 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से भी अधिक लोग काल कवलित हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की दर पिछले 10 दिनों में दोगुनी से अधिक और कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 7500 हो गई है। भारत में 5000 संक्रमण के मामलों में लगभग 166 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसी आंकड़े पर जब हम अन्य देशों की स्थिति की तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि पहले 5000 संक्रमण के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु दर 158, स्पेन में मृत्यु दर 152, फ्रांस में मृत्यु दर 145 थी। निश्चित ही ये आंकड़े भारत के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं। इसी बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी। ICMR की रिपोर्ट में भारत में सामुदायिक संक्रमण के फैलने की आशंका व्यक्त की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी आशंका जताई है कि देश के कई हिस्सों में सीमित सामुदायिक संक्रमण की संभावना है। बात करते हैं अब संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं। इसमें प्रथम अवस्था है आपकी, यह किसी भी वायरस वायरस की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति तब संक्रमित होता है जब वायरस के उद्गम स्थल पर पहुंचता है और उसके बाद वह व्यक्ति उस वायरस का वाहक बन जाता है। इसे आयातित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी द्वितीय अवस्था। इसे सामान्य रूप से स्थानीय संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। किसके? स्थानीय संक्रमण के नाम से। इसमें वायरस के उद्गम स्थल से संक्रमित होने वाला व्यक्ति जब अपने परिवार या परिजनों से के संपर्क में आता है तो वायरस का संक्रमण उन लोगों तक भी पहुंच जाता है। फिर आती है आपकी तृतीय अवस्था। इस अवस्था को सामुदायिक संक्रमण के नाम से जाना जाता है। यह एक खतरनाक अवस्था है क्योंकि इसमें संक्रमण स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर वस्तु से किसी व्यक्ति में श्रृंखलाबद्ध रूप में तेजी से फैलता है। इस अवस्था में संक्रमित होने वाले व्यक्ति को संक्रमण के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। स्रोत के बारे में कोई जानकारी ना होने पर इसे ट्रेस चिन्हित कर पाना असंभव हो जाता है। संक्रमण के प्रसार की दृष्टि से यह अवस्था अत्यधिक हानिकारक होती है। इस समय भारत तृतीय अवस्था के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ है, अभी तृतीय अवस्था में पहुंचा नहीं है। फिर आती है आपकी चतुर्थ अवस्था। यह संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है जिसे महामारी के नाम से जाना जाता है। इसमें संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की बड़ी पैमाने पर मृत्यु हो जाती है। चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान तृतीय अवस्था को पार कर चतुर्थ अवस्था में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में। वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समन्वित करना है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अनुसंधान कोष संघ की
गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसे वर्ष 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से पुनर्नामांकित किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्षक संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। जैव आयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों की प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में बने एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। इस बोर्ड को वैज्ञानिक सलाहकारों दलों, वैज्ञानिक सलाहकार समितियों, विशेषज्ञ दलों, टास्क फोर्स, संचालन समितियां आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो परिषद की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती है और उन पर निगरानी रखती है। अब बात करते हैं ICMR की रिपोर्ट के आंकड़े क्या हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार गंभीर स्वास्थ्य संक्रमण से पीड़ित कोरोना वायरस संक्रमित कुल 104 मरीजों में से 40 मरीज ऐसे पाए गए जिन्होंने ना विदेश यात्रा की थी और ना ही वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। ICMR ने 15 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के 52 जिलों में गंभीर स्वास्थ्य संक्रमण से पीड़ित 5,911 मरीजों को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर औचक जांच की थी, जिसमें यह निष्कर्ष सामने आया था। शोध अध्ययन में कहा गया है कि इन रोगियों के बीच सकारात्मक दर 14 मार्च तक शून्य थी, जो 15 मार्च से 21 मार्च के बीच 106 गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में 2 रोगी कोरोना संक्रमित मिले और यह दर बढ़कर 1.9% हो गई। 22 मार्च से 28 मार्च के बीच 2877 यानी कि 2877 गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में आपके 48 रोगी कोरोना वायरस संक्रमित मिली और यह दर 1.7% पहुंच गई। 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच यह दर बढ़कर 2.6 यानी कि 2.6% हो गई। ICMR द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में रोगियों की उम्र और लिंग के हिसाब से भी वितरण किया विवरण दिया गया है। पुरुष और महिलाओं में गंभीर श्वास संक्रमण से पीड़ित रोगियों में सकारात्मक दर क्रमशः 2.3 और 8.08, 2.3% और 0.8% थी। वहीं 50 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में उच्चतम सकारात्मक दर 4.9% पाई गई, जबकि 40 से 45 वर्ष की आयु के रोगियों में ये दर 2.9% थी। आंकड़ों के विशेष अध्ययन से यह पता चलता है कि जितना अधिक रोगियों का परीक्षण किया गया था, कोरोना से पीड़ित मरीजों की दर में उतनी ही वृद्धि दर्ज की गई थी। बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार क्या है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में संक्रमण की तृतीय अवस्था अर्थात सामुदायिक संक्रमण फैलने की आशंका को खारिज कर दिया, परंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश के कई हिस्सों में सीमित सामुदायिक संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आखिर आपका सीमित सामुदायिक संक्रमण है क्या? स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के अनुसार सीमित सामुदायिक संक्रमण से तात्पर्य ऐसी निर्धारित सीमा से है जहाँ संक्रमण के स्रोत की जानकारी पीड़ित व्यक्ति को ना हो, परंतु संक्रमण का प्रसार भी निर्धारित सीमा से बाहर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं संक्रमण रोकने हेतु किए जा रहे हैं प्रयास कौन कौन से हैं। लॉकडाउन, लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है।
इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है, जब केंद्र या राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुंच रही है, तो केंद्र द्वारा सरकार इसे आपदा के समय शासकीय रूप से लागू करती है। इसमें लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इसमें जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं आपकी बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फैक्ट्रियां, परिवहन सुविधा सब बंद कर दी जाती हैं। जहां संभव हो वहां कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाता है। फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से, सभाओं में शामिल होने से बचना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिए। फिर आपका कर्फ्यू। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक विज्ञप्ति जारी करता है। जिस स्थान पर यह धारा लगाई जाती है वहां चार या उससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत उसे 4 महीने की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। फिर आपका सीलिंग। देश के भीतर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट यानी कि वे क्षेत्र जहां संक्रमण का एक भी मामला प्रकाश में आया, उन स्थानों को चिन्हित कर पूरी तरह से सील किया गया। इन स्थानों में प्रशासन द्वारा ही आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आइसोलेशन। आइसोलेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से संक्रमित हो। इस प्रक्रिया में संक्रमित व्यक्ति को अन्य गैर संक्रमित लोगों से अलग कर दिया जाता है ताकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना स्थानांतरित हो पाए। विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने ट्रेन के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। फिर आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब किसी समुदाय के संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की जाती है। क्वारंटाइन का उद्देश्य संक्रमण की आशंका वाले समूह या समुदाय की निगरानी करना है। प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए ताकि संक्रमण की आशंका वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर चिकित्सीय निगरानी की जा सके। फिर आपका चिकित्सीय उपकरण। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। पीपीई सूट विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणों का एक सेट है जिसमें शरीर को ढकने वाला बॉडी कवर, पैरों के लिए विशेष जूते, हाथों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष दस्ताने और चेहरे को ढकने के लिए फेस कवर, N95 मास्क शामिल है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में वेंटिलेटर और गहन चिकित्सीय कक्ष से संबंधित चिकित्सीय उपकरण के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट को उपलब्ध कराया गया जिससे प्रतिदिन लगभग 15,000 की संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत ने स्वदेश निर्मित टेस्टिंग किट के निर्माण में सफलता प्राप्त की है जिसके द्वारा निःशुल्क रूप से अधिक संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार ने अल्कोहल बनाने वाली कंपनियों को अधिक संख्या में सैनिटाइजर बनाने का निर्देश दिया ताकि वायरस से प्रभावित क्षेत्रों में को सैनिटाइज किया जा सके। ये आया था आपका आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने वाला कोई व्यक्ति कोविड-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता तो ऐप उस व्यक्ति को निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है इसे आप लोग। इस तरह की जो भी जानकारी, इस तरह की मैं तो कहता हूँ, इस तरह की आपकी जो भी जानकारी देता हूँ उसे दूसरे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को इस ऐप्स के बारे में बता दिया करिएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे फायदे के लिए आप शेयर करिए। तुमने देखा होगा सब, आप सभी ने
कि मैंने कभी नहीं बोला है शेयर करने के लिए। तुम्हारा मन, कर सकते हो, करना है, नहीं करना है, ना करो। लेकिन इस तरह के जो भी जागरूकता फैलाने वाले लेक्चर हुआ करें, क्लास हैं, उन्हें जरूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है। कोरोना वायरस की रोकथाम में केंद्र सरकार के प्रयासों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों ने भी निम्नलिखित मॉडल अपनाए हैं। कौन कौन है ये मॉडल? राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में संचालित एक अस्पताल में कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए, जिससे अस्पताल आए सभी मरीजों ने में संक्रमण की आशंका व्यक्त की गई। परिणाम स्वरूप देश में सर्वप्रथम भीलवाड़ा जिले को लॉकडाउन कर कर्फ्यू लगा दिया गया। जिले की सीमाओं को पूर्णतः सील कर दिया गया। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की सहायता से 850 टीमें गठित कर जिला मुख्यालय में डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ किया। संक्रमण केंद्र भीलवाड़ा जिला मुख्यालय में 3 दिन के भीतर ही लगभग 3 लाख लोगों को की स्कैनिंग की गई और लक्षण प्रदर्शित करने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इस सफलता के बाद 3,000 से अधिक टीमें गठित कर पूरे जिले में डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ किया। 10 दिन के भीतर ही 30 लाख की जनसंख्या की स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखकर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की गहन टेस्टिंग की गई। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के घर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी जोन बना दिया गया। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की ऐप के माध्यम से निगरानी की गई। फिर आपका दिल्ली का 5T प्लान। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 5T प्लान अर्थात टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग जैसा एक समन्वित प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो चलिए, था आपका यही जो महामारी फैली हुई COVID-19, इसी से संबंधित, इसी के आधार पर है आपका आर्टिकल, ठीक है।